क्या फ़ायदा मेरे इतने सजने का, क्या फ़ायदा मेरे इतना मेकअप करने का, क्या फ़ायदा मेरे छोटे छोटे कपड़े पहनने का, जब मैं सजती हूँ जब तुम लेते ही नहीं हो, जब तुम करती आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि सजती हूँ पर लेते नहीं। काफ़ी सारी महिलाओं के मुझे कमेंट मिलते हैं, काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके भाई जो हस्बैंड है वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके लिए हम तैयार होते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो लेते ही नहीं है, मतलब वो हमारे पास आते ही नहीं है। हम क्या करें, हम इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। इवन मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आता है, मतलब एक महिला होती है उनका मुझे मैसेज आता है, उनकी शादी को 1 साल हो चुका है लेकिन फिर भी अभी तक उन दोनों पार्टनर्स के बीच में एक बार भी सेक्स नहीं हुआ है। अब जैसे मैं चौंक गई थी, आप भी चौंक गए होंगे इस चीज़ को सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, शादी का 1 साल हो गया और अभी तक एक बार भी दोनों ने सेक्स नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको उनकी कहानी बताती हूँ कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। देखिए, नई नई दोनों की शादी हुई होती है, दोनों की जब नई नई शादी होती है फर्स्ट रात यानी कि स्वागरात होती है, एक लड़की के काफ़ी सारे अरमान होते हैं, काफ़ी सपने होते हैं स्वागरात को लेकर, एक लड़के के भी होते हैं, ठीक है। तो लड़की अच्छे से तैयार होकर बैठती है, लेकिन जब ही उनके हस्बैंड आते हैं, मतलब लड़का आता है और उनको बोलता है कि भाई हम थक चुके हैं, आज हमें सो जाना चाहिए, नेक्स्ट डे देखेंगे हमें क्या करना है, तो ये कहकर वो लड़की को सुला देता है। और लड़की भी ये सोचती है कि यार चलो ठीक है, शादी का माहौल है, थके हुए हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में जो भी है बाद में करेंगे, अभी सो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं, नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट दिन भी लड़की तैयार होती है, लड़के के लिए अच्छे से सजती है, संवरती है, लेकिन नेक्स्ट दिन भी उसका पति उसको इग्नोर कर देता है और यह कहकर सुला देता है कि आज घर में काफ़ी सारे गेस्ट हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये कहकर वो दोनों सो जाते हैं। उस दिन भी उसको ज़्यादा ये नहीं हुआ कि हाँ यार काफ़ी गेस्ट हैं शायद इसीलिए अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये कहकर उसको सुला देते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है, मायके चली जाती है। पगफेरा जो होता है ना शादी के बाद, लड़कियों को ले जाया जाता है वापस अपने घर पर पगफेरे के लिए। 15 दिन बाद जब लड़की वापस अपने ससुराल आती है, तो लड़की वापस तैयार होती है, सजती है, संवरती है कि आज तो हमारी, अब तो मेहमान भी चले गए और अब तो थकान भी दूर हो गई शादी की, सारा सब कुछ, तो आज तो हमारे बीच में सब कुछ होगा। तो लड़की रेडी होती है, तैयार होती है अपने पति के लिए, लेकिन उनका पति फिर उन पर कुछ ध्यान नहीं देता है इतना सजने के बाद, संवरने के बाद। तो लड़की उनसे पूछती है कि आपको क्या पसंद है। लड़की सोचती है कि शायद वो मॉडर्न ज़माने के अच्छे पढ़े लिखे आदमी, तो शायद उनको भी वैसा ही पसंद हो, लड़कियाँ का छोटे कपड़े पहनना या फिर ऐसा सब कुछ, तो वो उनके लिए उसी तरीके से तैयार होते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करती है, फिर भी उनका हस्बैंड उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो आखिर क्या रीज़न है। उन्होंने सोचा कि मैं पूछती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, मैं मतलब सुंदर नहीं हूँ या फिर मैं क्या हूँ। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों मतलब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट नाइट जो स्वागरात होती है उसके लिए तो हर लड़का मतलब कितना तैयारी करता है, हर लड़की के सपने होते हैं, हर लड़के के सपने होते हैं, तो आप ऐसा क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं बताया उस लड़के ने और बोला कि नहीं अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से वो टालता रहा, बातों को घुमाता रहा, इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता रहा। और काफ़ी समय बीतने के बाद लड़की को पता लगा कि उसके पति का अफेयर किसी और लड़की के साथ है, मतलब किसी और लड़की के साथ वो बात करते हैं, तो वो कहाँ से ध्यान देंगे अपनी बीवी के ऊपर। आप बताइए, जब कोई लड़का किसी और लड़की से प्यार करता होगा तो वो कहाँ से ध्यान देगा अपनी बीवी के ऊपर, उसको नहीं है इंटरेस्ट अपनी बीवी में क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में थे। तो अभी कंडीशन ये है कि उस लड़की ने मुझसे पूछा है कि मैम अब मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ अपने घर वालों को कि मेरे पति और मेरे बीच में अभी तक एक बार भी सेक्स नहीं हुआ है, कोई संबंध हम दोनों के बीच में नहीं बने और अब मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या बोल के तलाक लूँ, क्या बोल के मैं डिवोर्स लूँ अपने पति से, कि क्या बोलूँ मैं अपने परिवार से कि हम दोनों एक दूसरे को हमने अभी तक एक बार भी सेक्स नहीं किया या इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ किसी को। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं उस लड़की को क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का दिमाग इतना ख़राब हुआ उसकी स्टोरी सुनकर, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या बोलूँ उससे, मतलब मैं क्या बोलूँ। आप बताइए, एक माता पिता अपने बच्चों की शादी करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, तो इतना पैसा खर्च करके अगर एक लड़की की शादी एक बाप करता है तो वो क्या बताएगी जाके कि अभी शादी का 1 साल नहीं हुआ और मुझे डिवोर्स चाहिए, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं उन लड़कों से यही बोलना चाहती हूँ कि अफेयर में है पहले से, वो शादी करके किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर आपको शादी सिर्फ परिवार वालों के कहने पर आप शादी कर लेते हैं लेकिन आप अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पा रहे हैं, आपकी वाइफ को आप वो हक नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपका शादी करने का, ठीक है। तो आप उसी से शादी करिए, बेटर होगा, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप पसंद नहीं करते, जिसको आप प्यार नहीं करते हैं, उस तरह परिवार के दबाव में आकर किसी लड़की से शादी करना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो होप आप ये चीज़ समझेंगे और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं उस लड़की को क्या रिप्लाई करूँ, मैं उसको क्या जवाब दूँ, क्या उसको अलग हो जाना चाहिए अपने पति से या उसको अपने पति को समझाना चाहिए कि अब आपकी शादी हो गई है, अब आप जो भी आपका रहा है आप उसको भूलिए, छोड़िए और आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ रिलेशन में आइए, हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। मतलब मैं क्या रिप्लाई करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप मेरी
हेल्प करिए, कमेंट करिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या रिप्लाई करना चाहिए, उस लड़की को क्या बताना चाहिए, उसको कैसे मैं मुसीबत से बाहर निकालूं। तो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ये उस लड़की की स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, वो यही जानना चाहते कि लोग क्या बताते हैं, मैं उसी को फॉलो करूँगी जो लोग बताते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी दिमाग ख़राब हुआ है ये सारी सिचुएशन देख के। तो होप आप समझ पाए होंगे और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।